हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिफाली सुपर वीडियो। तो जो लोग पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे, मैं उनको बता दूँ मेरा नाम है शिफाली, मेरे चैनल का नाम है शिफाली सुपर वीडियो। यहाँ मैं शेयर करती हूँ अपने लाइफ स्टाइल थ्रू द व्लॉग। एंड ये व्लॉग आपको कैसा लगता है, मेरा लाइफ स्टाइल व्लॉग, मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड हाँ, अगर अच्छा लगता है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। तो जैसा कि आप सबको पता ही है, मैं गई थी अपनी सिस्टर के घर में, बर्थडे सेलिब्रेशन का प्रोग्राम था वहाँ, तो हम लोग गए थे। बट वहाँ से जब आए तो होता क्या कि मेरी मेड का छुट्टी हो गया था, वो एक वीक का छुट्टी ली है। तो उधर से आने के बाद मैं साथ में दीदी की बेटी को भी लाई थी, क्योंकि इसका 12th का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ था, तो ये छुट्टी अपना स्पेंड करना चाह रही थी कहीं घूम घूम के। तो पहले मेरे यहाँ आई है और उसके बाद कहाँ जाएगी ये नहीं मुझे पता, बट हाँ ये आई है तो हम लोग इसको साथ थोड़ा बहुत घुमाएंगे। कहाँ कहाँ घुमाएंगे आपको भी पता चल जाएगा। तो अभी ना मेरी मेड नहीं आ रही है 1 वीक के लिए, तो मैं मंडे को ट्यूसडे को आई हूँ, उस दिन से लगातार काम करते जा रही हूँ। एंड वर्कलोड होने की वजह से ना मैं डेली वीडियोस तो शूट नहीं करती, बट मेरा बैकअप है, मैं उसको डेली अपलोड करती जाती हूँ। तो यहाँ पे चल रही है साफ़ सफ़ाई, मैं किचन की साफ़ सफ़ाई कर रही हूँ। ये मॉर्निंग में नाश्ता तो मेरा बन के रेडी हो गया था, तो सोची चलो आज झाड़ू पोछा तो करना ही है, तो थोड़ा सोफ़ा वगैरह भी झाड़ दिया जाए। ऐसे बेसिकली होता क्या कि हम सिर्फ झाड़ू पोछा करते हैं, सोफ़ा वोफा छोड़ देते हैं, बाद में शाम में कर लिए। बट मैं क्या करती हूँ, सुबह में ही कर लेती हूँ एक बार, फिर मैं शाम में नहीं करती। तो शाम में एक बार, बस एक बार अच्छे से कर लेती हूँ झाड़ू, बस बहुत है। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ सोफ़ा और बेड दोनों को झाड़ लूँगी अच्छे से, क्योंकि आरू तो बहुत चहर जाती है, गंदा भी फैला देती है। तो साफ़ सफ़ाई के साथ साथ क्या होता है, डस्टिंग भी करना होता है। और अभी गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, तो क्या होता है धूल भी बहुत ज़्यादा उड़ रहा है, तो उसके कारण डस्ट जम जाता है। और हम लोग कोलफील्ड एरिया में रहते हैं तो ज़्यादा ही धूल उड़ता है, और काला काला धूल उड़ता है, आपको पता ही है। तो वही सब कर रही हूँ। और यहाँ पे आरू का बैग नया आ गया है, उसकी मौसी उसको भेजी है, मतलब जान रही थी कि 1 में जब जाएगी तो उसको बैग की ज़रूरत होगी, तो उसको ऐसे एज अ गिफ्ट उसको मिला है। तो यहाँ पे मेरी सिस्टर की बेटी का जो ना, मेरी दीदी की बेटी का लैपटॉप वगैरह चार्ज होते रहता है, तो मैं यहाँ इस रूम को एक बार साफ़ करती हूँ, फिर ज़्यादा इस रूम में नहीं आती हूँ। तार वार बहुत फैला के रखती है, कि होता क्या कि उसके जो बोर्ड है उसके पास तो वहाँ पे नहीं करती है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा गरम गरम होता है, यहाँ पे इन्वर्टर भी है, तो वो बेड ही पे रखती है, तो मैं उसको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करती। तो बस झाड़ू पोछा कर रही हूँ, और यहाँ पे थोड़ा बहुत धूल भाई बहुत बैठा हुआ था, तो वो सारा साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि आज है रामनवमी, तो रामनवमी का पूजा भी करना है। बहुत फास्ट थी आज सुबह, मैं जल्दी उठ गई थी। और होता क्या है कि अभी मौसम भी थोड़ा अच्छा है, कभी कभी बारिश बीच बीच में हो जा रही है, तो अच्छा लग रहा है मौसम। तो यहाँ पर मैं साफ़ सफ़ाई करूँगी, डस्टिंग क्लीनिंग सब करके फिर पूजा पाठ भी करूँगी, क्योंकि आज तो रामनवमी है, तो आज राम जी का दिन है और हनुमान जी का दोनों का दिन है, और दुर्गा माँ का भी है, रामनवमी है तो, क्योंकि 9 दिन चला है दुर्गा माँ का। तो यहाँ पे नहा धो के मैं बजरंगबली का कपड़ा चेंज कर रही हूँ, और एक नया माला भी पहना रही हूँ। तो बस सिंपल सा पूजा करूँगी, और भगवान को भोग लगाना था, क्योंकि आज बजरंगबली का दिन है, उनको लड्डू भोग लगता है, और तो इसलिए लड्डू मैं कल ही मंगवा ली थी, क्योंकि आज के दिन बहुत ज़्यादा भीड़ होता है और इनका 8 बजे से ड्यूटी होता है, तो बीच में ये आ नहीं पाते, तो एक दिन पहले ही मंगवा के बाहर ही रख दी थी, ख़राब नहीं हुआ था, लड्डू थोड़ा ज़्यादा दिन रह जाता है। तो यहाँ पे पूजा पाठ करने के बाद मैं बहुत ज़्यादा अच्छा वाला फीलिंग आ रहा है, तो चलिए पहले पूजा पाठ कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। Thank you.
सब पूजा हो गया मेरा, बहुत अच्छे से पूजा हुआ। और पूजा करके ना बहुत ज़्यादा खुशी भी हुआ। होता क्या है ना कि मैं जब पूजा नहीं करती तो मेरा मन थोड़ा विचलित होता है, विचलित होता है। तो इसलिए पूजा, आज का पूजा तो थोड़ा सा स्पेशल था, आज रामनवमी था। एंड आप रामनवमी की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। तो रामनवमी का पूजा मैं ना दुर्गा माँ का भी और बजरंगबली का दोनों का पूजा करी हूँ। आज उनका वस्त्र चेंज करी हूँ, आप तो देख ही लिए होंगे। और दोनों का, सॉरी, दोनों का आरती भी करके मतलब अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी तो प्रसाद किसी को नहीं दी हूँ कि बस पूजा करके उठी हूँ और थोड़ा सा हेयर कॉम करी हूँ और अब जा रही हूँ मैं नाश्ता करूँगी। 12:30 बज गया है, बहुत लेट हो गया, बहुत लेट। और आरू गई हुई है नौ कन्या खाना खाने। तो आज दो जगह से निमंत्रण है, एक यहाँ पे पास में दुर्गा मंदिर है वहाँ से भी आया है, और एक पास में भाभी एकम अष्टमी की है तो वो ही खिला रही है बच्चों को, तो वहाँ चली गई है वो खाने के लिए। तो अभी मैं जा रही हूँ, पहले नाश्ता करूँगी क्योंकि बहुत ज़ोर की भूख लगी है। तो आज ना 3 दिन हो गया मेरी मेड को गए हुए, क्योंकि मैं आई थी किस दिन, मंगलवार को आई थी, तो उस दिन से वो नहीं आ रही है। मंगलवार नहीं आई, बुधवार नहीं, आज बृहस्पतिवार है, तो आज वो नहीं आई है। अब वो मंडे से आएगी, तो 1 वीक का तो छुट्टी ली ही है। तो काम मैं सब कर लेती हूँ, बट जब मेरा खुद का काम करने का टाइम आता है ना, तो मेरा है मतलब अंदर से हिम्मत नहीं होता कि मैं करूँ, बहुत थक जाती हूँ। झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा सब कुछ करना है खुद ही, तो होता है उसके बाद क्या कि फिर मैं खुद का काम नहीं कर पाती हूँ, मेरा काम पेंडिंग होने लगता है। बट मैं किसी तरह से रेगुलर कर रही हूँ, डेली मैं वीडियोस अपलोड कर रही हूँ, एक दिन भी मेरा गैप नहीं हुआ है। बस मैं जब गई थी वहाँ बहन के आना, तो एक दिन गैप हो गया है। और आपको मैं बताऊँ, मेरा काम करते करते मेरा हाथ का हालत बहुत ख़राब हो गया है। इस हाथ का तो कुछ बेटर है, ये लेफ्ट हैंड का, बट राइट हैंड का मैं आपको दिखाती हूँ। राइट हैंड का हाथ में ना स्किन छूट रहा है, पता नहीं आपको दिख रहा है या नहीं, ये देखिए स्किन छूट रहा है मेरा हाथ से पूरा। ये जो पाम है ना, इसका यहाँ यहाँ पे मतलब साइड में स्किन छूट रहा है बहुत ज़्यादा। और फिंगर्स का तो मत ही कहिए, कहिए ही मत। और हालत का मतलब हाथ का हालत बहुत ख़राब है। और मैं यही सोचती हूँ कि अभी मेरी हेल्पर नहीं है, बस 1 वीक के लिए नहीं है, तो मेरा ये हालत हो जाता है। अगर वो नहीं होगी तो मैं क्या करूँगी। बहुत सारी लेडीज़ खुद से काम करती है, तो मतलब हैट्स ऑफ देम, मतलब वो बहुत ही अच्छा बात है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा बात है, मुझसे नहीं हो सकता। और मैं देखती हूँ तो बहुत इंस्पायर होती हूँ कि वाह कर लेती है, कितना अच्छा है, सब कुछ कर लेती है, बट मेरे से नहीं हो पाता। मेरे को तो तुम चाहिए ही चाहिए, और वह एक भी कैसे बीतेगा। सो मैं सोच सोच के मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। तो बट देखते हैं, टाइम निकल जाएगा, आज तीसरा दिन है, कल फ्राइडे हो जाएगा, तो कल तो ख़त्म हो जाएगा रामनवमी। तो देखते हैं, थोड़ा सा 1-2 दिन स्किप करूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा वर्कलोड हो जा रहा है, अपना काम भी मैं ढंग से नहीं कर पा रही हूँ। तो ठीक है, कोई बात नहीं, सब हो जाएगा मैनेज। और हम लोग फिर से कहीं जाने वाले हैं, तो उसको भी मैं बता दे रही हूँ कि हम लोग फिर से कहीं जाने वाले हैं, और बहुत जल्द ही 3 तारीख का हम लोग का टिकट है। तो हम लोग 3 तारीख को निकलेंगे, फिर वापसी का है 5 को, तो 2 दिन का ट्रिप है। तो आप देखिएगा ज़रूर मैं कहाँ जा रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग व्लॉग्स आने वाले। सो स्टे ट्यून एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो अभी मैं जा रही हूँ खाने के लिए नाश्ता, क्योंकि बहुत ज़ोर की भूख लगी। इस रूम का लाइट मैं ऑफ की हुई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा रोशनी से मेरे को ना इरिटेशन होता है। तो अब जा रही हूँ खाने के लिए। तो फ्रेंड्स, नाश्ता में बना है रोटी एंड सब लोग नाश्ता कर लिए। तो आलू का भुजिया है ये देखिए, आलू का भुजिया, ये आलू का भुजिया है। एंड इसमें क्या है, इसमें धनिया पत्ता का चटनी है, ये देखो धनिया पत्ता का चटनी है। और सब्जी बनाई हूँ, दूध उबाल के रख दी हूँ, जितना हो सकता है मैं सारा काम कोशिश करती हूँ कि कर लूँ। ये आलू गोभी की सब्जी है, तो ये बना है। एंड अभी आरू दूध नहीं पिया सुबह का, तो ये दूध बचा हुआ, नहीं तो ये बर्तन भी मैं धो लेती। और इतना बर्तन धोने के लिए रखा हुआ है, और बहुत सारा बर्तन धोई हूँ सुबह से। तो चलती हूँ फटाफट से, मैं नाश्ता कर लेती हूँ, भूख बहुत ज़ोर की लगी है। तो ये है मेरा सिंपल सा नाश्ता, और ये जो चटनी है ये टमाटर के साथ पीसी हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा पतला हल्का सा हो गया, बट कोई बात नहीं, मुझे ऐसी चटना चटना कर, तो ऐसी चटनी मुझे पसंद है। तो अब मैं जा रही हूँ नाश्ता कर लेती हूँ। सिर्फ 2 रोटी ली हूँ क्योंकि बहुत लेट हो गया है, 1:15 हो गया है, तो अब मैं नाश्ता क्या करूँगी, खाना क्या खाऊँगी, इसलिए थोड़ा सा रोटी खाऊँगी, फिर 1:30 बजे तक चावल बनाऊँगी, फिर गर्मा गर्म चावल खाऊँगी।
वहाँ पे अचानक से छुमछुम का मन हो गया, यानी मेरी दीदी की बेटी का नाम छुमछुम है, उसका मन हो गया कि चलो केक बनाया जाए। तो ये टूटी फ्रूटी केक बना रही थी, ऐसे मैं बनाती हूँ, बट इसका मन था खुद से बनाने का। तो काफ़ी रिच केक बना था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना था, वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलेगा देखने को कि कैसा बना था और क्या क्या हो गया था इसके केक के साथ। तो ये बना रही थी और ये खुद से ही शूट कर रही थी, मैं देखी भी नहीं थी क्या कर रही है। इसको पता था कि मौसी करती है, तो ये भी मेरा हेल्प कर दे थोड़ा सा। और ये व्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगी, इस दिन मैं बहुत पूजा पाठ करने के बाद, सारा काम करने के बाद बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रही थी, तो सोची चलो बस अब व्लॉग ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे। तो ये केक बनेगा एंड इसके बाद सब लोग इन्जॉय करेंगे, क्योंकि आज रामनवमी है, नेक्स्ट डे है हमारा, नेक्स्ट डे तो नॉनवेज खाने का हो जाएगा, तो मतलब अगले दिन से बनेगा। तो ये केक टिन में रेडी है डालने के लिए और मैं कुकर में बनाती हूँ, मेरे पास ओवन या माइक्रोवेव कुछ नहीं है, तो ये मैं बनाऊंगी एंड कल आपको दिखाऊंगी कैसा आपको बना। टीवी जो चला के बचा हुआ है वो दे नेक्स्ट बार में बनेगा, मतलब एक बन के निकल जाएगा तो बनेगा। तो आई होप आपको ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा, मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। एंड हाँ, आप ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा, थोड़ा सा भी इंटरेस्ट लगा हो तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको बेस्ट पार्ट क्या लगा। तो आज का दिन बहुत ही ज़्यादा स्पेशल था मेरे लिए, आई होप आपके लिए भी हो। ठीक है, कल मिलती हूँ अच्छी सी वीडियो के साथ, टिल देन बाय बाय, चिकन थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय।